सीधे चलते हमारे एक दर्शक हैं, ओम प्रकाश ऊर्जा बहादुरगढ़ से मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। ओम प्रकाश जी। हाँ मैम। हाँ सर, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, ये मैंने जो जो सब लगभग आपने बताई हुई है जी। लेकिन मेरा हर दिन से एक सवाल है मैम जी। मैम की ये है ना LIC का प्रीमियम मेरी 37 मैम मेरी इनकम 25,000 पर मंथ है जी, और LIC का प्रीमियम इतना ज्यादा क्योंकि जबकि अदर्स जो कंपनीज है उनका प्रीमियम लगभग हाफ है। दूसरा सवाल हर जी से ये पूछना था सर कि नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ दोनों टर्म प्लान में क्लेम सेम ही होता है और इसीलिए क्या डॉक्यूमेंट क्लेमर को देने पड़ते जी। आप फोन लाइन पर बने रहे ओम प्रकाश जी, और आपके सवाल का जवाब दिलवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हर्ष, इनका कंसर्न काफी वाजिब और कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि LIC उतने ही कवर के लिए ज्यादा प्रीमियम क्यों चार्ज कर रहा है, इसका जवाब आप क्या देंगे? यार ये तो कह पाना मुश्किल है क्योंकि हर कंपनी प्रीमियम अपने हिसाब से नक्की करता है। इनफैक्ट आप LIC का भी देखें तो उसका जो ऑफलाइन प्लान है, अगर हम ओम प्रकाश जी की बात करें, अगर वो 25 लाख का प्लान लेते हैं 15 साल के लिए, तो LIC का जो ऑफलाइन प्लान है अमूल्य जीवन 2, वो अगर लें 15 साल के लिए तो उसका 15,000-15,200 रुपये के आसपास प्रीमियम है, और LIC का ही ऑनलाइन टर्म प्लान लें तो 12,640 है, यानी करीबन 3,000 या 3,500 रुपये कम। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन सस्ता होना तो समझ में आता है क्योंकि कंपनी का कॉस्ट बचता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचता है, कमीशन का कॉस्ट बचता है, इस वजह से सस्ता है। लेकिन अगर हम एक दूसरी पॉलिसी देखें मैक्स लाइफ की, तो सेम 25 लाख 15 साल के लिए वो करीबन 8,300 रुपये में है, तो इसका करीबन 70% यानी 30% चीपर है। तो क्यों है ये तो कह पाना मुश्किल है। हर कंपनी अपना अपना प्रीमियम नक्की करता है जी। जहां तक आपका सवाल है, आप एज लॉन्ग एज आप सब कुछ कंप्लीटली डिस्क्लोज करते हैं, और अगर कंपनी आपको मेडिकल कराने कहती है तो आप मेडिकल करते हैं, सारा कुछ डिस्क्लोज करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप किसी से भी लीजिए। साथ ही हर्षी, बहुत ब्रीफली इन्होंने जो दूसरा सवाल जी एक्सीडेंटल डेथ के बारे में जानना चाहता, वो आप क्विकली बताएं। तो डेथ तो कोई सभी कवर्ड है, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे डिजीज की वजह से हो, लाइफ इंश्योरेंस दोनों चीज को कवर करेगा, तो उसमें कोई मतलब भगवान करे वो कभी हो ना, लेकिन दोनों चीज कवर्ड होती है। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के प्रीमियम आपने बताए हैं। LIC ई टर्म में करीब 12,640 रुपए का प्रीमियम आपको सालाना देना होगा, अवधि अगर 15 साल के लिए आप लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने अपनी उम्र बताई है उसके अकॉर्डिंग जब तक आप वर्किंग है यानी 60 साल की उम्र तक आपको प्लान लेने की जरूरत है। इसके अलावा अमूल्य जीवन में करीब 15,000 के आसपास आपको प्रीमियम चुकाना होगा, जबकि प्राइवेट प्लेस में आप देखेंगे तो प्रीमियम काफी कम होगा। जहां पर आपको कन्विंस्ड आप हो वहां पर उसका आपको प्लान लेना चाहिए। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे, और जैसे एक्सपर्ट ने कहा 35 लाख तक का प्लान आप चूज कर सकते हैं, प्रीमियम हालांकि थोड़ा सा हायर साइड पर होगा। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल करेंगे। हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए, और साथ ही अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलाएं।